largely accord with what the BJP wants them to say so that it becomes easier to polarize. मुझे शायद थोड़े दुख से कहना पड़ेगा कि यही तो बताया था, इसी के लिए तो आगाह किया था, यही तो हम कहते थे कि पंजाब जैसी बॉर्डर स्टेट जो सेंसिटिव स्टेट है उसी के लिए आगाह हमने लोगों को किया था। ये दुर्भाग्य है आज कि पंजाब में ऐसा हो रहा है, ये दुर्भाग्य है जिस विषय पर ये मामला भड़का है वो विषय आज भी लोगों को आक्रोशित करता है। लेकिन जो लोग कल तक प्रशासन और पुलिस का रोना पीटते थे, ठीकरा फोड़ते थे दूसरों के सर पर, आज तो आपके पास पुलिस भी है, प्रशासन भी है। आज आप क्या कर रहे हैं? क्यों आपका पुलिस और प्रशासन फेल हो गया? और सवाल यह भी बनता है कि हम इस मंच से अपने तमाम लीडरों के बिहाफ पर, कांग्रेस ने पंजाब में भी यह बात कही है, हम संयम बरतने की, हम व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सौहार्द बनाने की अपील करते हैं, शांति के बिना कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सवाल उस सरकार से है, सवाल आम आदमी पार्टी से है। पहले तो आप दिल्ली में रोना धोते थे कि आपके पास प्रशासन पुलिस नहीं है तो आप नहीं चीजें कंट्रोल कर पा रहे हैं, पंजाब में तो इसकी भी कमी नहीं है, क्यों नहीं चीजें कंट्रोल हो पाई? और सबसे बड़ी बात यह है, कहना नहीं चाहिए इस मंच से, आगाह तो किया था, लेकिन कहीं पर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसी बात होते हुए दिख रही है। बड़ी बड़ी बातें करना, लच्छेदार बातें करना, बातों की जलेबी बनाना एक बात होती है, पुलिस प्रशासन से सुचारू रूप से मिलकर सरकारें चलाना दूसरी बात होती है। धन्यवाद, शुक्रिया।